बड़वानी खेल युवा कल्याण विभाग में बीवीपी ने जमकर किया हंगामा। खेल अधिकारी रूप सिंह गणेश के खिलाफ लगाए जमकर नारे, तो वही बीवीपी के पदाधिकारियों ने मां तुझे प्रणाम योजना चयनित प्रतियोगिता के दस्तावेजों का पुनः निरीक्षण कर उचित कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में खेल अधिकारी को दिया ज्ञापन। खेल अधिकारी काफी देर से पहुंचे ज्ञापन लेने, जिसके चलते छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वही खेल अधिकारी रूप सिंह गणेश ने कहा कि नियमानुसार मां तुझे प्रणाम योजना में चयन हुआ है, मुझ पर आरोप निराधार है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। रितेश कुमार विद्यार्थी परिषद से हूँ, एबीपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पे। विगत दिनों पहले माँ तुझे प्रणाम में सिलेक्शन हुआ छात्र छात्राओं का, उसमें संभागीय स्तरीय छात्र छात्राओं को लिया जाता है। वैसे ही कुछ छात्र छात्राओं का राज्य स्तरीय डॉक्यूमेंट थे, तो उन डॉक्यूमेंट पे उन बच्चों का सिलेक्शन ना हुआ, क्योंकि राज्य संभागीय स्तरीय से बड़ा होता है राज्य, तो उन बच्चों का सिलेक्शन होना था। 12 दिन का रहता है, देश की बॉर्डर पे घुमाने को लिए ले जाते हैं माँ तुझे प्रणाम में। तो विद्यार्थी आज इसी बात को लेके आए हुए सर के पास, करीबन 2 घंटे से बैठे छात्र छात्रा है, सर को बार बार कॉल कर रहे हैं, और विभाग में जब आए विभाग में कोई मिला नहीं, अनुपस्थित है, विभाग पूरा खाली है। सर को फ़ोन लगा रहे, सर बोल रहे हैं हम अवकाश पे है, इसी अवकाश का कोई यहाँ लिखित में है नहीं कि हम अवकाश पे है। उसके बाद भी करीबन 2 से 2.5 घंटे हो गए, सर बोल रहे आ रहा हूँ बाहर हूँ। तो विद्यार्थी परिषद यही चाह रहा है कि उस चीज़ की खोजबीन की जाए, जिन छात्राओं का एडमिशन नहीं हुआ माँ तुझे प्रणाम में, जिस हिसाब से फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, फिर से सिलेक्शन हुआ जाए। विद्यार्थी परिषद जब तक सर नहीं आते हैं तब तक विद्यार्थी परिषद यहाँ बैठेगा, सर आएंगे तभी ज्ञापन देगा, आज नहीं आएगा तो कल, कल नहीं आएगा तो परसों, और विद्यार्थी परिषद ये विभाग में आंदोलन करेगा। यहाँ पे अगर सुनवाई नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद रोड का चक्का जाम करेगा। आज की मांग यही कर रहे हैं कि अगर फर्जीवाड़ा आता है तो सर को सस्पेंड किया जाए। ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं, छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं सहे जाएगा। कैसा व्यवहार खेल अधिकारी करने देगा? अब वो इस चीज़ से देखा ही जा रहा है कि सर का जो व्यवहार वो ठीक नहीं लग रहा है, जिस हिसाब से सिलेक्शन हुआ है। विद्यार्थी परिषद जब जब बोला है, जब जब छात्र समस्या में आए, और विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र के लिए लड़ा है, जब तक ये इस बच्चों की सुनवाई नहीं होगी, सही तरीके से खोजबीन नहीं होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन करेगा। यस कारोले, किस पद? मैं नगर मंत्री हूँ बड़वानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। यहाँ पर खेल विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में संपूर्ण रूप से फर्जीवाड़े तरीके से माँ तुझे प्रणाम के सिलेक्शन किए गए हैं। राज्य स्तरीय बच्चों को छोड़ के संभागीय स्तरीय बच्चों के सिलेक्शन किए गए हैं, और संपूर्ण रूप से फर्जीवाड़ा है। हम आधे दिन से बैठे हुए हैं, यहाँ सर आए नहीं, हमारा ज्ञापन नहीं लिया, कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे है। एसपी से एसपी, एडिशनल सर, सबसे मिल के आए हम, कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुई है। तो एबीवीपी के माध्यम से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब तक रूप सिंह कलेश सर नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस पद पे रूप सिंह कलेश जिला खेल अधिकारी है। क्या मानते हैं इनकी तानाशाही? हाँ, तानाशाही चल रही है। सिलेक्शन फर्जी रूप से करे सारे सिलेक्शन, राज्य के सर्टिफिकेट वाले बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, और संभागीय स्तर वालों को सिलेक्शन करके कराया इन्होंने। सिलेक्शन में शामिल हुए थे यहाँ के लोग? जी, मैं खुद हुआ था, स्वयं मेरे पास राज्य के सर्टिफिकेट है। डिस्क्वालीफाई कर दिया मैंने, सबसे निवेदन करा सर। क्या रीजन बताया आपको डिस्क्वालीफाई? रीजन यही बताया इन्होंने कि उसके पास वो है स्टेट का सर्टिफिकेट, जबकि सर इस बार कोविड के कारण स्टेट का प्रतियोगिता हुई नहीं, विभागीय राज्य तक ही प्रतियोगिता हुई है। सर मैं 36 से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। जिला खेल अधिकारी बड़वानी। सर आज एबीपी वाले आए थे हंगामा के, आप पे आरोप लगाए हैं, क्या आरोप है उनके? ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। हमने जो सिलेक्शन किया माँ तुझे प्रणाम में, जितने भी आवेदन प्रत्येक ब्लॉक से जिले में आए, सभी का परीक्षण किया, और उसके बाद समिति रहती है, समिति का अध्यक्ष कलेक्टर रहता है, उपाध्यक्ष एसपी साहब रहते हैं, और एनएसएस एनसीसी और मैं, इन लोगों के बीच में इनका पारदर्शिता के आधार पर चयन किया गया है इसमें। और जो बालक के विरोध में ये धरना दे रहा है वो बालक का राज्य स्तर पर विजेता है और इसकी सहभागिता है। क्या तो नाम है बालक का? उस बालक का नाम क्या है? ठिकरी वाले गौरव, गौरव नाम है। वो विजेता है स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे, और ये जो है ये भाग लिया है। तो भाई विजेता वाले को ही ले जाएंगे हम, हमारा उससे भी कहीं लेना नहीं, इससे भी कोई लेना देना नहीं। हम तो पारदर्शिता से चयन किया है, उसमें कलेक्टर साहब एसपी साहब सभी लोग थे। हम तो आरोप भी लगा कि आप विभाग में मिलते नहीं हो? नहीं, हम तो कंटिन्यू आते भाई, ये मेरा कोई अधिकारी तो है नहीं, ये काय के लिए आता, कहीं काम के लिए आए
तो हम इससे मिले, नहीं तो मेरे से फ़ोन कर ले कि सर आप कहाँ हो। सर क्या योजना थी माँ तुझे प्रणाम? माँ तुझे प्रणाम क्या है, यहाँ से चयन होके बालक भी जाएंगे और बालिका, इसके बाद बालिका जाएगी क्योंकि बालिकाओं की तिथि अभी आई नहीं तारीख। इसके बाद ये पहला दल है जो है तनोत माता जाएंगे, राजस्थान के तनोत माता। वो कुल मिला के एक सप्ताह का दौरा है, दो दिन जाना दो दिन आना और दो दिन ये सेना जो वहाँ बॉर्डर पे सेना जो काम करती, किस परिस्थिति में करती और कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाती देश के लिए, ये सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करके लाएंगे। क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया ये है कि इसमें माँ तुझे प्रणाम योजना में जाने के लिए बालक और बालिकाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष होना चाहिए और इसमें एक NCC, एक खेलकूद, एक मेगावी, एक NSS, इस तरह से पांच, प्रत्येक ब्लॉक से 5 बालक और 5 बालिकाओं का चयन किया जाता है और जिसमें सर्टिफिकेट देखा जाता है। चयन किस आधार पर हो रहा है? चयन प्रमाण पत्रों के आधार पर। प्रमाण पत्र जैसे खेल में करना है तो खेल में जो उच्च स्तर पर खेला हो, NCC है, जैसे ABC सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे जिसका C है और सी में 2-4 हो तो हम उसमें लॉटरी द्वारा भी करते हैं, ये शासन के निर्देश है। बराबर है तो फिर लॉटरी डालेंगे। सर्टिफिकेटों के आधार पे चयन हो रहा है? हाँ, सर्टिफिकेटों के आधार पे।